भारत विकास परिषद शाखा गुना के द्वारा रविवार को गादेर गुफा पर पारिवारिक पिकनिक व शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान परिवारों के साथ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए युगल पारिवारिक खेलों का आनंद लिया। इसके बाद शाम 5 बजे से शिक्षक सम्मान समारोह का प्रारंभ करते हुए मधुबाला सक्सेना ने वर्तमान समय में शिक्षकों की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों व चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष नीरज अग्रवाल के द्वारा उपस्थित शिक्षक व सदस्य परिवारों का स्वागत किया गया। परिषद के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर से रेखा कुशवाहा, रीना पारश्वर, ममता रघुवंशी, एसएल मेमोरियल विद्यालय से अनीता शर्मा, ममता शर्मा, कविता सेन मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल से कंचन दीवान, दामिनी राजपूत, नवीन विद्या मंदिर से मुकेश राय का सम्मान किया गया। इस अवसर पर परिषद के सदस्य व विद्यालय संचालक संतोष यादव, श्वेता अरोड़ा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेजस सिंह यादव ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से शिक्षकों को और अधिक श्रेष्ठ करने का प्रोत्साहन मिलता है और पारिवारिक मिलन समारोह कार्यक्रम से सदस्यों के बीच पारिवारिक संबंध विकसित होते हैं। पारिवारिक खेलों में प्रथम पुरस्कार आशीष सक्सेना, द्वितीय नवीन सक्सेना, तृतीय पुरस्कार नीरज अग्रवाल ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप सक्सेना और आभार सचिव मनीष भार्गव के द्वारा प्रकट किया गया। कहीं कहीं तो गुरु माता भी रही है, इसलिए गुरु एक तत्व का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जिससे हम सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है। तो आज के दिन समस्त जो गुरुजन है संसार के, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने की आवश्यकता है। मैं अंत में केवल एक बात और कहना चाहूँगी कि वर्तमान पीढ़ी में शिक्षकों को सम्मान देने की जो प्रथा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कहीं न कहीं गुरुओं का स्थान अपनी जगह डगमगाया है। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो बच्चों में गुरु के प्रति वो भावना नहीं रही, और उसका सारा कारण गुरु का है। क्योंकि गुरु अगर अपनी गरिमा को खोता है तो बच्चे उसका उतना सम्मान नहीं करते। ऑनलाइन जो अभी आपने देखा है कि जैसे कोरोना काल